हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो इस वाले सर्किट के ऊपर होने वाला है। ये डीसी है, ठीक है, 12 वोल्ट का सर्किट है, इसमें 12 वोल्ट आउटपुट भी है और ये छः चैनल में है। 1 2 3 4 5 6 छः चैनल में है। मैंने सब चैनल के लिए वायर सोल्डिंग करके यहाँ से आउटपुट ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका अलग अलग कलर मैंने रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मेन कनेक्शन है ये, और ये हमारा कॉमन वायर है। ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं ये हमने कॉमन वायर रखा हुआ है, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, जहाँ से हम 12 वोल्ट इनपुट करने वाले हैं, और ये है कॉमन, ठीक है। तो कनेक्शन कैसे करते हैं और किस तरह से इसको यूज करते हैं और इसका इफेक्ट क्या है वो सब कुछ दिखाते हैं आपको। बने रहे हमारे चैनल में, और जो नए आए हैं हमारे चैनल में, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये तो हमारा सर्किट हो गया, और ये हमारे पास अभी 6 पिंक और 6 ग्रीन रखा हुआ है, ठीक है। हम ये दो कलर यूज़ करने वाले हैं। आप चाहे तो सिंगल कलर लगा सकते हैं या फिर मल्टी कलर, हर चैनल पे अलग कलर डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं। एक कलर ज़्यादा बेटर लगता है मेरे लिए, लेकिन एक कलर का पैकेट खुला नहीं है, और ये सब का जो लास्ट थोड़ा थोड़ा बाकी है पैकेट में, तो वही मैं 6-6 पीस दोनों का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो कनेक्शन दिखाता हूँ आपको। ये तो आपका, आपको पता होगा इसका कनेक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव ही होता है, इस पर कोई डाटा वगैरह होता नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है इसमें सब में, और यहाँ पे भी हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव है। यहाँ जो आउट है वो नेगेटिव में है, जैसे जितना 6 वायर आप देख रहे हैं, 6 वायर नेगेटिव में आउट है, और इसका पॉजिटिव जो है वो कॉमन होगा यहाँ पर, ठीक है। ये ब्लैक वाला वायर जो है वो कॉमन होगा। तो कनेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि कैमरा पकड़ने के लिए मेरे पास कोई और नहीं बंदा, तो पूरा कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन के बाद मैं आपको इसको पूरा दिखाता हूँ, ठीक है, कि हम यहाँ पे किस तरह से कनेक्शन किए, और इफ़ेक्ट पूरा देखें, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। इसका जो इफेक्ट है वो देखने लायक है, बहुत खूबसूरत इफेक्ट है, ठीक है। तो आप ज़रूर देखें इसको, क्योंकि डीसी 12 वोल्ट में चेसर का अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रहा है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। 1 साइड 5 रन चलता है, ठीक है, 5 रन जो है वो एक साइड ही रन कर रहा है, तो जिसके वजह से फिर भी लोग यूज कर रहे हैं, क्या करेंगे, चेसर बहुत कम है मार्केट में। तो अभी ये वाला जो चेसर है आप इसको देखें, डीसी में है, ठीक है, इसका इफेक्ट ज़रूर देखें, और वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। और जो लोग नए आए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, और बने रहें हमारे साथ वीडियो में, पूरी बने रहें, ठीक है, पूरी वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो ये हमारा कनेक्शन हो चुका है गाइस, ठीक है, हमने यहाँ पे सबको कनेक्शन कर लिया है। तो यहाँ पे एक ही जगह पे कनेक्शन है तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको कनेक्शन का फुल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका पूरा फुल वीडियो भी बना दूँगा, ठीक है। अभी मैं स्पेशली ये सर्किट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा कनेक्शन का डिटेल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पूरा ये दिख रहा है ना, एक दूसरे से ऐसा चिपका हुआ है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से कौन सा जुड़ा हुआ है। बस इतना समझिए कि ये 6 चैनल का है, और मैंने यहाँ पे 12 यूज किया हुआ है, ठीक है, एक एक चैनल से दो दो, ठीक है। अगर कनेक्शन डिटेल चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। और एक बात और है, इस जो वाले जो कंट्रोलर है, इससे आप बहुत ज़्यादा लोड नहीं दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैपेसिटी इसका नहीं है, छोटा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। लेकिन अगर आपको इस पर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाना है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा, तो आप वो बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट करें, अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि इसका कैपेसिटी कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है, क्या करके आप बढ़ा सकते हैं। इजीली है, बहुत इजी है, आप उसका प्रोसेस है मैं बता दूंगा कैसे आप उसका कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, लोडिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो आप कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाऊँगा। और चलिए अब शुरू करते हैं, हमारा ये जो इफेक्ट है हम उसको स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको कि इसका रनिंग इफेक्ट किस तरह का है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो में नए हैं या फिर जो लोग देख रहे हैं चैनल को और सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और मेरा जो कोर्स वाला प्रोग्राम है वो, उसमें बहुत सारे लोग आ चुके हैं, और जो आना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं वो सोचते ना रहें, सोचना बंद करें। जिनको अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करें, या फिर डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट करें, ठीक है। सोचते ना रहें, आप रजिस्ट्रेशन अगर कराना चाहते हैं तो करा लें, और यहाँ पे कोर्स स्टार्ट होने वाला है तो आके करें,
सीखें, ठीक है, क्योंकि बार बार पूछते रहना या फिर कंफ्यूजन रहना क्या करना है कैसे करना है नहीं समझ में आता है, तो आप सीखें, आप बिजनेस करें, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो खुद का बिजनेस करें सीख के, ठीक है। तो जो सीखना चाहते हैं उनके लिए वेलकम है, आप आ सकते हैं हमारे पास, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, हमारा फॉर्म भी है ऑलरेडी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक करें, वहाँ पे हमारा फॉर्म का लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करें और अपना फॉर्म भरें, ठीक है, फॉर्म फिलअप करें और अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है 5 एम्पियर का, ठीक है, ये 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं यहाँ पर, ये हम उसको ऑन कर दिए हैं और ये हमारा रनिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसका ब्राइटनेस इतना ज़्यादा है कि कैमरा इसको कैप्चर करना कैमरा में बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और एक दूसरे से इतना चिपका हुआ है एलईडी कि आपको पता ही नहीं चलेगा इसका इफ़ेक्ट, तो कोशिश करते हैं थोड़ा दूर करने का, लेकिन नहीं होगा क्योंकि कनेक्शन एक ही जगह पे सबका है, तो दूर करना थोड़ा मुश्किल है। देखिए इसका इफ़ेक्ट आप देखिए, थोड़ा ब्राइटनेस कम करने की कोशिश करता हूँ, इतना भी कम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इसका ब्राइटनेस है ही इतना ज़्यादा कि ये कैप्चर नहीं कर पाता है, ठीक है, फिर भी आपको इसका इफ़ेक्ट जो है वो दिख जाएगा, इसका रनिंग किस तरह का है वो भी आपको दिख रहा होगा, आई होप कि ये आपको दिख रहा होगा कि आप इसका रनिंग इसका किस तरह से है, ठीक है। देखिए लेफ्ट राइट दोनों साइड में है, ये आगे भी मूव करता है पीछे भी, बैक में ये, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का इफ़ेक्ट आपको चाहिए अगर डीसी में 12 वोल्ट में सिंगल कलर वाले का, तो आप ये सर्किट यूज़ कर सकते हैं। अगर कैपेसिटी आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो कैपेसिटी के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ऐसे इसका कैपेसिटी भी कम नहीं है, इसको भी आप अच्छा खासा कैपेसिटी में चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको और भी हायर कैपेसिटी चाहिए तो उसके लिए एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा, आप देख सकते हैं वो भी वीडियो, नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों का कॉमेंट आया तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखिए इसका इफ़ेक्ट देखिए, तो इफेक्ट बहुत ही शानदार है इसका, ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये है हमारा सर्किट का आज का वीडियो, तो आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और इफेक्ट बहुत सारा है, मैं कोशिश करता हूँ कुछ और चीज़ में दिखाने का। हाँ, मैं एक पत्ते का जैसा शेप में बनाया हुआ है, मैं वहाँ पे दिखाता हूँ इसका इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं पता चल रहा, शायद वहाँ पता चल जाए, तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है, थोड़ा आप उसको भी देख ले, ये देखिए, ठीक है, ये वही सर्किट है, ठीक है, सेम वही सर्किट मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ये मैं एक पत्ते का शेप में बनाया हुआ है, मैं इससे कुछ बनाने वाला हूँ, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊँगा क्या बनाने वाला हूँ जब कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये सैम्पल पीस था उसका, ये इससे कोई ट्री बना रहा हूँ मैं, ठीक है, तो जब कम्प्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसका वीडियो दिखाऊँगा, इसके ऊपर वीडियो भी लेके आऊँगा। अभी ये सिंगल पीस है, ट्री के हर पत्ते पे ऐसा ही इफेक्ट होगा जो अभी मैंने इस पर लगाया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए इसी वाले सर्किट को मैं यूज कर रहा हूँ सिंगल कलर में, मैं ऑन करता हूँ, आप इसका इफेक्ट देखें, ये देखिए इसी सर्किट का है इफेक्ट ये, ठीक है, आप ये इफेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ब्राइटनेस इतना ज़्यादा है कि आप इसको कैप्चर ही करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कैमरा में, ठीक है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी बेहतरीन है, साइड में और पिक्सल भी चल रहा है जिसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप देख सकते हैं इसका इफ़ेक्ट, ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन सब कुछ है, अच्छा खासा है इसका इफ़ेक्ट और स्पीड भी अच्छा है इफ़ेक्ट का, बहुत सारा इफेक्ट है, ऐसा नहीं कि एक दो इफेक्ट ही है लेफ्ट और राइट ही हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारा इफेक्ट है, आप देखते रहें इसमें इफेक्ट कितना सारा चेंज होता है, ठीक है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप इफेक्ट इसका, देखिए इफेक्ट, ठीक है, ये है हमारा इस वाले कंट्रोलर का इफेक्ट, इसमें बहुत सारा इफेक्ट है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, शॉर्ट ही रखता हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, लोगों में शेयर करें हमारी वीडियो को, ठीक है, और जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, हमारा कुछ आता है ज़रूर, ठीक है, तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे ही, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, आप लोगों के लिए ये सब करता हूँ,
और ये मेरा मेरा भी बिजनेस है, ठीक है, तो मेरा ही है, और ये आप लोगों का हेल्प के लिए मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे ये दिखाना काफ़ी है, लेकिन इसको बनाने का तरीका दिखाना ये आपकी ज़रूरत नहीं था, लेकिन वो आप लोगों के लिए दिखाता हूँ, ठीक है। अगर सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने का मैटर होता तो मैं सिर्फ इसका क्वालिटी दिखा देता, उसका क्या है, कैसे चलता है, क्या यूज़ होता है वो मैं दिखा देता, कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, किस तरह इफेक्ट डालते हैं वो सब कुछ दिखाता नहीं, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ ना, ठीक है, आप लोगों के जानकारी के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें हमारे साथ।